देखो, की फ्रेम के थ्रू एनिमेशन क्रिएट करते हो, बट ग्राफ या फिर कर्व जो भी तुम बोलते हो इनका यूज़ अगर नहीं करते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर यूज़ करोगे। तो देखो, ग्राफ हमारे थ्रू क्रिएट किए हुए की फ्रेम एनिमेशन को स्मूथ तो बनाता ही है, उसी के साथ साथ अगर ग्राफ का यूज़ करोगे तो एक एनिमेशन को आप डिफरेंट एनिमेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, ये एक अप टू डाउन की फ्रेम एनिमेशन है विदाउट ग्राफ, बट ग्राफ्स का यूज़ करके मैंने इससे मल्टीपल एनिमेशन क्रिएट कर दिए हैं। तो चलो इस वीडियो में हम ग्राफ्स को यूज करना सीखते हैं। तो मैं अलाइट मोशन में ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ और मैं आपको भी यही ऐप रिकमेंड करूंगा, बेस्ट एप्लीकेशन है एडिटिंग के लिए। तो यहाँ मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो सबसे पहले मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ, प्लस पे टैप करेंगे एंड यहाँ से हम एक सर्कल शेप ले लेते हैं और कलर एंड फिल में जाकर वाइट कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी एक टाइमलाइन है। तो ग्राफ को ऐड करने से पहले हमें एक की फ्रेम एनिमेशन क्रिएट करना होगा। तो लेयर को सिलेक्ट करते हैं एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म को या फिर ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में जाकर ओपासिटी एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हो। तो हम ट्रांसफॉर्म एनिमेशन क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले लेयर के स्टार्टिंग पॉइंट पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड जितने सेकंड एनिमेशन चाहिए उस पॉइंट पर आकर सेकंड की फ्रेम ऐड कर दो। उसके बाद अपने एनिमेशन के हिसाब से इसे मूव कर लो। अगर आपको की फ्रेमिंग नहीं आती है तो मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, जाकर देख सकते हो। तो हमने की फ्रेम का यूज़ करके ये एनिमेशन क्रिएट कर लिया है जो कि काफ़ी स्लो है बिकॉज की फ्रेम में ज़्यादा गैप है। तो हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर की फ्रेम को होल्ड करके 22 फ्रेम्स पर सेट कर देंगे एंड अभी ये पहले से फास्ट हो जाएगा। तो अब हम ग्राफ ऐड कर सकते हैं। तो दोनों की फ्रेम के बीच में आना एंड यहाँ से ग्राफ पे टैप कर दो। अगर की फ्रेम के बीच में नहीं रहोगे तो ये इस तरीके से खाली दिखाएगा। तो ग्राफ आखिर वर्क कैसे करता है वो समझते हैं। तो यहाँ दो पॉइंट है जो कि हमारे की फ्रेम एनिमेशन के पॉइंट्स हैं, ये फर्स्ट की फ्रेम एंड ये सेकेंड। तो जैसे कि अभी हमने 22 फ्रेम्स का एक की फ्रेम एनिमेशन बनाया, तो यहाँ से यहाँ तक ये एक 22 फ्रेम्स का एक टाइमलाइन है, जैसे ये हमारी एडिटिंग टाइमलाइन है वैसे ही, एंड ये हमारा प्लेहेड है जैसा हमारा एडिटिंग टाइमलाइन में होता है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक ग्राफ बना लेता हूँ। तो सबसे पहले नॉर्मली एनिमेट होता था, बट अभी मैं आपको बिना एनिमेशन देखे इसे बताता हूँ कि ये कैसे एनिमेट होगा। तो अभी हम 11 फ्रेम पर हैं एंड जो ग्राफ है उसमें भी 11 फ्रेम पर हैं। तो 11 फ्रेम्स तक ये जो ग्रीन लाइन है वो सिर्फ हल्का सा ही उठा हुआ है, जिसका मतलब है 11 फ्रेम्स तक काफ़ी स्लो एनिमेट होगा एंड फिर इसकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होकर एकदम से ही हाई हो जाएगी। तो हम अब स्टार्टिंग में आते हैं एंड एनिमेशन चेक करते हैं। तो यहाँ देखो, मैं अभी 18 फ्रेम्स पर हूँ और ये भी अभी बिल्कुल हल्का सा ही नीचे हुआ है एंड हमारा एनिमेशन 22 फ्रेम्स का है और ऑलरेडी 18 फ्रेम्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 4 फ्रेम्स में ये यहाँ से यहाँ आएगा जो कि काफ़ी फास्ट होगा। तो चलिए, मैंने जैसे बताया वैसे एनिमेशन हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले स्लो चल रहा है एंड ये एकदम से फास्ट हो गया, सेम जैसे मैंने बताया वैसे ही एनिमेट हो रहा है। तो अब मैं आपको एक और ग्राफ बनाकर दिखाता हूँ। अब ये जो ग्राफ मैंने बनाया है उसके हिसाब से एनिमेशन कैसे होगा, स्लोअर फास्टर टू स्लोअर। तो चलिए प्ले करते हैं। तो देखो, अब मैं आपको प्ले करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको अच्छे से नोटिस नहीं होगा। देखो एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो इसमें अच्छे से नोटिस नहीं हो रहा है। तो इसमें यहाँ कुछ प्रीसेट्स हैं जिनको मैं और समझा देता हूँ। तो ये तो आपका डिफ़ॉल्ट ग्राफ है, उसके बाद ये है स्लोअर टू फास्टर, फिर ये है फास्टर टू स्लोअर, फिर ये जो मैंने अभी क्रिएट करके दिखाया था सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड ये है नेक्स्ट सेक्शन जो कि है लूप एनिमेशन। तो लूप का मतलब होता है रिपीट, ये तो आपको पता ही होगा, और इसे भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। अब ये कैसे वर्क करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ से यहाँ तक आपका एनिमेशन टाइमलाइन है। अब यहाँ से यहाँ तक आपका एनिमेशन ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी, बट ये लूप है तो ये अपनी नॉर्मल पोजिशन में वापस आ जाएगा। लेकिन इस एनिमेशन में ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो जो ग्रीन लाइन है वो तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा ही नहीं है। तो इस येलो डॉट के थ्रू आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि ऐसे एनिमेशन नहीं होगा, बट वो अपने नॉर्मल पोजीशन से पहले ही वापस आ जाएगा, यानी ये एक बाउंस एनिमेशन है। तो चलिए प्ले करके देखते हैं एक बार। तो ये अभी ठीक से एनिमेट नहीं हो रहा है बिकॉज हमारा एनिमेशन टाइम जो कि सिर्फ 22 फ्रेम्स का है। तो हम की फ्रेम को मूव करते हैं 2 सेकंड्स पर,
एंड अब प्ले करते हैं। नाइस। अब अगर आप येलो डॉट को एक्स एक्सिस पर मूव करोगे तो आपके एनिमेशन में कितने बाउंस होंगे वो आप सेट कर सकते हो। तो मैंने 3 सेट कर दिए हैं, अब प्ले करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इतनी डीपली समझाने के लिए एक लाइक तो बनता है। तो अब ये क्या है? तो ये है टाइमलाइन जैसा मैंने अभी आपको बताया था, बट ग्राफ जो है वो टाइमलाइन से बाहर है। यानी आपने अपने एलिमेंट को किसी भी एक्सिस पर एनिमेट किया। जैसे हम इस लेयर के की फ्रेम को रिमूव कर देते हैं और एक न्यू की फ्रेम ऐड करेंगे, एंड 1 सेकंड पर सेकंड की फ्रेम, और फर्स्ट की फ्रेम पर आके हम इसे नीचे कर लेंगे। अब ये एक नॉर्मल सा स्लाइड अप एनिमेशन है, बट इसमें हम उस ग्राफ को ऐड करेंगे। अब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा नीचे है एंड एंडिंग पॉइंट बिल्कुल मिडल में है, बट ग्राफ को देखो वो एंडिंग पॉइंट से बाहर है, यानी वो मिडल से भी ऊपर जाएगा एंड फिर नॉर्मल पोजिशन पर वापस आ जाएगा। चलिए प्रीव्यू देखते हैं। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा एनिमेशन हमने बना दिया है सिर्फ ग्राफ का यूज करके। एंड बाकी ये जितने भी ग्राफ है उनको आप समझना ताकि आपको समझ में आए, सेम जैसे मैंने बताया वैसे ही। और अगर समझ में नहीं आता है तो Part 2 कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा और मैं कुछ ग्राफ आपको दूंगा Part 2 में जिनको आप यूज कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।